Here we go. Assalamu alaikum. This is me, Pegzal Sarah Iqbal Khan, and today we have another sage with us from the HR fraternity, Mr. Khurram Khan, who is basically a professional, learned professional with 20 years plus diversified experience in different facets of human resource. He has worked with, you know, very dominating and very good name, you know, in the industry, you know, from the manufacturing side, retail, and, you know, the sourcing solutions. And great thing about him is that he has, you know, a lot of exposure, and he has been, you know, involved in the institutionalization of, you know, high performance driven cultures and, you know, HR business partnering and organizational development. Currently, he is associated with a very huge brand, Shahkam Industries, who is basically a vertically integrated setup, you know, providing and producing knitted tops and bottoms for, you know, Europe and US market. And he's working as general manager HR over there. Now we will dive into the conversation with him. And assalamu alaikum, Khurram Saab. And tell me that how is life? Are you enjoying the coffee or not? How would you rate the coffee, by the way? It's really good. It's good? Yeah. Okay. So, as you know, this is Wobble Hearts, and we're really gonna wobble your heart, mind, body, and soul, everything, because the times are very interesting. Aapke mashallah se bada exposure raha hai, bada experience raha hai in terms of imparting the trainings. You know, ask you a very simple question. Training dete hue aisa kaun sa kabhi aapne koi aisi quote boli ho ya koi aisa baat advice ki ho jo which you have never lived by yourself? Act, which is attitude, communication, and teamwork. जिसके अंदर हमेशा से एक चैलेंजिंग फेज से गुजरना पड़ता है एवरी वन. तो मुझे भी यही लगता है कि मुझे एवरी डे मुझे जो है ना वो एक्ट के ऊपर अपने आप को ना रीसेट करना है अपने मॉड को. आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग के अंदर ना सब लोगों को ये एक मैसेज ज़रूर कम्युनिकेट करता हूँ कि इट्स अ चैलेंज, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. You think that act is something for which you really need to reset yourself, yeah, and push yourself hard ke ji every day. तो एवरी डे की बात हो रही है. ये भी हमारे सामने है कि अभी हमने जो करंट टाइम्स में बड़ी जबकि आप आई शुड से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो हमने एक पोस्ट कोविड सिनेरियो जो हमने एक्सपीरियंस किया है जिसमें एवरीथिंग हैज बीन रीडिफाइंड नाउ, राइट? सो आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ HR इमर्जिंग इन द करंट सिनेरियो व्हिच इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस, और जिसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये जो हमारी एक यू नो एक राउट है या हमारा जो एक ट्रैक है इट्स गोना बी द सेम. इसको बिजनेस के साथ लिंकेज करने में ना जो पोस्ट कोविड टाइम है उसमें ना उसमें बड़ा एक चैलेंजिंग रोल रहा है HR के हवाले से, जिसमें लोगों के एक वर्क एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो उनसे जो एटीट्यूड्स हैं रीसेट करने में और उनकी जो फंक्शनल स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे ना अब कोविड ने बाद में पोस्ट कोविड ये चीज़ एक सब लोगों को अंडरस्टैंड करने में ना बड़ी आसानी पैदा हो गई कि उनके पास जिस तरह का स्किल सेट है वो शायद उतना सफिशिएंट नहीं है जिसके लिए उनको ना अपनी लर्निंग और अपनी डेवलपमेंट को ना एनहांस करना है. अगर वो एनहांस करेंगे तो दे कैन यू नो बेटर सर्वाइव एंड दे कैन यू नो एक्सेल देमसेल्व्स. बस इसके अलावा पोस्ट कोविड वर्किंग एटीट्यूड वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि पॉजिटिव साइड के ऊपर उसने जो है ना एक स्लाइड दिया और उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, जिसके कहते हैं ना आपका जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस बिजनेस की टर्म्स के अंदर वो बहुत बहुत जो है ना उसमें इम्प्रूव कर गया, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर. सो यू सेड दैट पीपल नाउ हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. यस, और बहुत सारे स्मार्ट वर्किंग टूल्स इंट्रोड्यूस हो गए जिसमें जो है ना लोगों को जिस समटाइम्स मतलब जो एक बैरियर से चैलेंजेस से उससे जो है ना लोगों ने उसे फाइट करना सीख लिया इस कोविड से. इफ पीपल हैव वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क तो फिर व्हाई दिस 2022 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ मास रेजिग्नेशंस? उसके पीछे मेरा ख्याल सिर्फ एक फैक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि हम अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबल जो रिसेशन टाइम है वो उसमें जो है ना सारी इकोनॉमीज बड़े बैडली सफ़र कर रही हैं, उसके अंदर लोगों की जो बाइंग पावर है वो अफेक्ट हुई है और लोग जो है ना वो जो मतलब एक नेचुरल वे के अंदर चीज़ें जो है ना वो करते थे उसमें उन्होंने जो है स्टेप बैक किया है और अब मतलब कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो पहले जो चैलेंजेस पहले लाइक
लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है प्राइसेस, तो अब लोगों की अर्निंग उस तरीके से नहीं बढ़ रही, बिजनेसेस उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे, श्रिंकेज हो रही है इस वक्त। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब भी डिस्कस कर रहा था, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो टेक्सटाइल सेक्टर, जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट की मार्केट भी है, इसके अंदर बहुत सारे जनसन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम US की जो एक्सपोर्ट है वो US तकरीबन सॉर्ट ऑफ जॉनसन है एक दफ़ा उसने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया, फ्रीज़ हो गया वो। तो जब वो ऑर्डर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा, रेजिग्नेशंस भी इंक्रीज़ होंगे, फेज़ आउट भी होंगे इंडस्ट्रीज़, और उनको वंस अगेन एक नए चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। ऑलराइट, सो डोंट यू थिंक दैट इफ दिस इज द करंट स्नैपशॉट यू नो ऑफ द इकॉनमी, हाउ कैन यू इंश्योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट व्हिच इन आवर व्यू माइट नॉट बी द राइट वर्ड, सम पीपल कॉल इट ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट। हमारे एक बुद्धा साहब हैं, हमारे एक शो में होते हैं, ही डिक्लेयर्ड इट एज अ ह्यूमन बीइंग फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट। तो उसमें उनका कहना है कि मेज़लो की जो हायरार्की है, अगर आप उसमें अपने लोगों को यू नो वो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो उनकी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो सारी रिड्यूस हो जाती हैं, एंड दे फील यू नो वे मोर फोकस्ड एंड एंगेज्ड एट वर्क, और यू नो देन दे विल बी वे मोर मोटिवेटेड कि मुझे ये काम यहाँ पे करना है, आई वुड लाइक टू स्टे विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको नहीं लगता कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो समहाउ इज ओनली जनरली परसीव्ड you know into the context of trainings, uska ek bada role hai ki wo is kisam ki strategies, is kisam ki cheeze lekar aaye jo ke logon ki retention ko fuel up kare. Organization development ke andar jo engagement ka jo element hai na, that is very important. If people are well engaged in your organization and they have you know different tasks, engagement different tarike se ho sakti hai. Aap unko learning ki side pe upar bhi engage kar sakte hain, aap unko physical activities mein bhi engage kar sakte hain, aap unko different projects ke andar bhi engage kar sakte hain taaki wo ek continuous learning phase se bhi guzre. ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है उसकी जो ग्रोथ है उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी करें, अपना शेयर भी डालें और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी गेन कर सकें। तो जो ओडी का पार्ट है उसमें जो एंगेजमेंट का एलिमेंट है मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी कह लें कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो इंश्योर हो। सो अगर आपको हम एक provide an opportunity कि आप अपना एक setup launch करें, so what kind of culture you would like to cultivate? Organization is all about people, they are driving it. So if you are the owner of a certain organization, what will be your requirement pertaining to culture? मेरा जो उसमें focus होगा, मेरा focus organization के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी learning. फोकस मेरे साथ जितने भी लोग एंगेज होंगे वो उस लर्निंग प्रोसेस में मेरे साथ पार्टनर बने और वो अपनी लर्निंग भी करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करें और हम एक सस्टेनेबल मॉडल लेके जॉनसन है वो आगे बढ़ेंगे। सो इफ योर पीपल आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न एनीथिंग, दे से दैट हु आर यू टू यू नो मेक अस लर्न समथिंग, वी नो ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी। ये भी एक चैलेंज है कि आपने जिन लोगों को उनको अपने डिफरेंट एंगल से आपने जब उनको ऑनबोर्ड करना है तो आपने उनका पोटेंशियल भी चेक करना है उसके साथ, और उसके अंदर जो वीकनेसेस हैं जब आप उनको एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग जब उनको असेस करेंगे तो उसके साथ साथ आप उनकी जो डेवलपमेंट की जो स्किल्स हैं उनको भी आप अपने कैलेंडर में, अपनी प्लानिंग के अंदर, अपने अपने सीक्वेंस के अंदर, अपनी कॉस्टिंग के अंदर उसको भी आप लेके आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर मैं चंद लोग तैयार कर लेता हूँ उस माइंडसेट के ऊपर तो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि वो सिर्फ वो लोग तैयार नहीं हो रहे, वो कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बिकॉज जब वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जाएंगे, अपनी फैमिलीज में के साथ डिस्कस करते हैं, अपने सोशल सेटअप के अंदर डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली वो उसकी आउटपुट जो है ना एक बिगर लेवल पर भी हम देख सकेंगे। तो आपको क्या लगता है अभी लर्निंग एंड डेवलपमेंट को लेकर HR प्रोफेशनल्स जो हैं व्हाट बिगेस्ट मिस्टेक दे आर डूइंग? इसमें जो मेरा ख्याल है कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना वहाँ पे उसकी लिंकेज के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेसेस है, शायद उसके पीछे ये है कि जो हमारा जो सोशल कल्चर है ना वो भी उसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर शायद वो चीज़ें उस तरीके से अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही जो जैसे ना ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्टिविटी या इकॉनमी है ना उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इट्स अ कम्प्लीट साइकिल जो मेरा ख्याल डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि हम सारा बेस कर रहे होते हैं बच्चे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाएँ और वो वेल ग्रूम होकर बाहर निकलें, तो जब वो मतलब एक सर्टन लेवल की ग्रूमिंग तो हो जाती है लेकिन वो जो प्रोडक्टिव ग्रूमिंग है ना और वो जो लिंकेज है वो कहीं ना कहीं जॉनसन अभी इफेक्ट हुई हुई है। एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज एक्चुअली द वे टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? उसमें जो लिंकेज का एलिमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज।
academia industry linkage, that is another interesting topic. Yeah. आपको क्या लगता है कि अभी जो ये सिचुएशन है, अभी जो चल रही है, इसमें what are expected disruptions जो के उसमें HR का स्कोप जो है, what do you think that people should pursue this domain as a career? HR को हम ये sometimes ना इसको बड़ा limited कर देते हैं. HR का जो focus है ना वो strategic level पे होना चाहिए. और वो strategic level जहाँ से ना वो एक certain बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं, उसको थोड़ा सा ज़रा बाहर निकल के भी उसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिटर्न होके किसी न किसी फॉर्म के अंदर आपके बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है. तो HR को लिमिटेड करने के बजाय उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल मोड के अंदर से उसको गुजरने की ज़रूरत है. और मेरे ख्याल पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत पोटेंशियल मौजूद है. अदरवाइज जो ट्रेडिशनल HR है, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ HR. एक जो चीज़ मैं चीज़ पूछना चाहूँगी, डोंट टेक इट योर हार्ट. Okay, I am just talking on behalf of so many people who do interact with HR departments, yeah. Different HR departments. Generally, HR department ek bade khadoos department consider kiya jata hai. Or, you know, they are supposed to be the chief empathy officers, or, yeah. You know, they are expected to be like people person, you know. Lekin utna hi ek, you know, khauf create kiya jata hai, utni ek resistance hoti hai, aur ek unka ek aura aisa hota hai ki, you know, just stay away, or we are doing something, you know, which should not be declared. You know, जैसे कोई साजिश चल रही हो, कोई conspiracy चल रही हो. So why HR has this outlook in Pakistan? Pakistan में आप इसको जो मर्जी नाम दे लें, इससे जो अंतर ना वो mindset change नहीं होने वाला लोगों का. Actually ये एक ना HR is equal to the establishment of any organization. तो लोग जो अंतर ना वो उसको इस तरीके से लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद जॉनसन है ये ज़्यादा एम्प्लॉयर की फेवर में है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय की फेवर में. हालांकि ऐसा होता नहीं है, और कुछ जगहों पे ऐसा होता भी है, कुछ लोग बैलेंस आउट नहीं कर पाते. लेकिन जॉनसन है मोस्टली आप ये देखें तो उसमें जो रिलेशनशिप है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी वो फेयर या अनफेयर अपनी डिमांड्स लेके जाएँ वो HR वाला उसको फुलफ़िल कर दे या उनकी अच्छी एडवोकेसी कर दे. अच्छा, अगर यहाँ पर HR वाला एक अच्छी काउंसलिंग कर लेता है ना उसकी, तो शायद दोनों का उसमें भला हो जाता है, बल्कि तीनों का भला, तीसरा जो सा ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी भला हो जाता है. क्योंकि वो अगर ग्रीवियंस अपना लेके फिरता रहेगा और वो उसको जो सा ना वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके उसके ऊपर काम के ऊपर आएगा, और काम आपका ख़राब होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी डैमेज. But don't you think this is a threat to the organizational productivity and performance, especially ab jo 5G workforce hai, millennials, generation Z aa rahe hain, they are very different in terms of their outlook. Work ko wo ek, you know, they take it as a work, not as a place, and they expect very smart strategies, very smart practices from the organization. Unko unse kaam karwana, you know, agar is outlook ke sath HR chalega. So do you think कि वो उनसे परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो HR है ना, HR को बेसिकली चाहे वो जिस भी प्रोडक्ट का हिस्सा है, किसी हर ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोडक्ट है ना, वो जो अगर वो उस प्रोडक्ट के साथ HR अलाइंड नहीं है ना, तो प्रॉब्लम रहेगी हमेशा. अगर आप कोई मतलब के एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर हैं, और अगर आपको उसके प्रोसेसेस का नहीं पता, उस प्रोसेसेस के अंदर लोगों की एंगेजमेंट का नहीं आइडिया, तो यू कॉन्ट हैंडल पीपल. वन थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि एक चीज़ और हमें जनसन है वो शायद एजुकेशनल लेवल के ऊपर ये चीज़ को जनसन है हमने कर दिया ना, स्पेशलाइजेशन इन HR, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग एंड दिस एंड दैट. वी ऑल आर बिजनेस मैनेजर्स इनफैक्ट. और इसमें कॉन्टीन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक गैप है वो ये है कि आप उसको रोटेट नहीं करते. HR वाले ने अगर HR पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि HR ही कर सकता है. ठीक है, फिर बाद में जब तक वो जाके किसी मतलब प्रोडक्शन साइड पे, सप्लाई चेन साइड पे, मार्केटिंग साइड पे, फाइनेंस साइड पे जाके उसको नहीं वर्कआउट करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सा ना वो कोई इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा, और ये ग्रीवियंसेस हमेशा रहेंगे. रोटेशन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ख़ास तौर पर लैक करता है. सो इन वन वर्ड, इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ HR, HR को ख़त्म करके इसको बिजनेस मैनेजर बना दें. बिजनेस मैनेजर बना दें. Here comes our very important part of our show. शायद HR वाले इससे नाराज़ हों, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बिजनेस मैनेजर बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर HR पीपल. एवरी इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी, इन दिस कंट्री, ठीक है, इन दिस रीजन, इन दिस वर्ल्ड, ही और शी हैज़ टू डील विद पीपल. तो जब पीपल मैनेजमेंट है
HR ने पीपल मैनेजमेंट ही करनी है. सो एवरी डे एवरी मोमेंट वी आर डीलिंग विद पीपल. ठीक है, तो उसमें कोई बाउंड्रीज जो सी है ना, वो आप मार्क कर दें कि भाई ही इज अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस, यू नो, दिस सेगमेंट. तो उससे जो सा ना प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो मेरा ये ख्याल है कि आप उसको यूनिवर्सल रखें. बिजनेस मैनेजर्स बिजनेस पढ़ के आ रहे हैं, बिजनेस का पार्ट है. HR इज़ वन पिलर ऑफ द मतलब बिजनेस, और उसने अपना रोल उस तरीके से प्ले करना है. ऑलराइट, सो एपेक्स, हाउ वुड यू रैप इट अप दिस कन्वर्सेशन? वेल, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू दिस कन्वर्सेशन. बहुत सारे वर्टिकल्स डिस्कस हुए जिस पे ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, द वूका टाइम इज देयर एंड चैलेंजेस आर देयर. उस पे employer ka outlook towards the employees, towards the organization is one part. Then we are looking at HR as a function in that particular organization. Then we are looking at the integration of industry with academia and vice versa. So ye sare points are bahut valid hai and they should be considered in any planning. Challenge aata hai ki jab ek organization stop growing, the top line, the top revenue line is getting affected. Now the challenge comes, अब क्या करें? अब आपके बहुत सारे एम्प्लॉई है, अगर आप उसको रिटेन नहीं कर सकते तो यू मे एंड अप लूजिंग ऑल द गोल्ड, ऑल द एसेट्स यू हैव. और वो रह जाएंगे जिनको नौकरी नहीं मिल रही कहीं, या वट एवर अदर रीजन्स. और अगर इफ़ यू आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस तो आप एक एरोगेंस भी आ जाती है. तो उसके बाद अगेन आपका एटीट्यूड भी वेरी कर सकता है. तो सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे मतलब हैं और बहुत सारी डायमेंशंस हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हम किस डायमेंशन को हिट कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे HR का एक रोल तो हर हाल में रहेगा, वो ये है कि HR इज कस्टोडियन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज, हेल्थ इंश्योरेंस उनके बच्चों का, स्कूल का, वो तो एक रोल रहेगा. दूसरा है एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, उसके लिए दे हैव टू ऑलवेज स्टे वेरी अग्रेसिव टू फाइंड द राइट टैलेंट एंड टू, यू नो, जो अभी बात हो रही थी कि कल्चर की आप सेटअप करोगे तो उसको ला के हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, उसमें हाउ टू मेक हिम अंडरस्टैंड एंड मेक हिम एडजस्ट टू द अदर पैरामीटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, फिर हर डिपार्टमेंट का अपना कल्चर होता है, हर डिपार्टमेंटल हेड अपना एक कल्चर क्रिएट करता है. तो HR ने एक मॉडरेटिंग रोल अक्रॉस द बोर्ड प्ले करना है, और उसके लिए जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात की है खुर्रम साहब ने, आई थिंक इज ऑन डॉट. HR का जो हेड है ना, ही हैज टू वर्क हैंड इन ग्लव विद CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई वुड लाइक टू कोट हियर आगा सन हाफ्टी साहब, BCCI बैंक, वेरी फेमस. तो उनकी जो कल्चर सेटिंग थी, तीन पैरामीटर्स पे थी, लव, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. हर एम्प्लॉय में आपको ये मिलेगी उनके. एंड दिस वॉज द कल्चर विच वॉज प्रिवेलिंग ऑल अराउंड, वेयर बाय एवरीबडी वॉज टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन. आपने बात की एम्पथी की, तो एम्पथी उसमें बिल्ट इन थी, एम्बेडेड थी पूरे सिस्टम में. एंड देन उनका जो HR था, उसका जिम्मेदारी थी कि अच्छे लोग ढूंढते रहो और उनको ट्रेन करते रहो, और किसी भी वक्त मुझे ब्रांच खोलनी पड़ेगी तो उसके लिए पीपल शुड बी रेडी, मेरे पास पूरी टीम हो कि मैं इमीडिएटली डिप्लॉय कर दूं, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट. तो लॉट डिपेंड्स अपॉन आउटलुक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल हु आर इन कंट्रोल, जो डाइवर्सिफिकेशन पे, एक्सपेंशन पे, ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल. अभी वूका टाइम्स हैं, इसमें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वाइवल भी चैलेंज है, जिनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर है. यू नो, दे आर इन वेरी वोलेटाइल सिचुएशन. जो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, दे विल बी सफरिंग ऑल्सो, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. तो एक चीज़ जिसकी हम बात करते हैं, एक चीज़ है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. आपने कॉटनली कन्वर्ट किया, यान बनाया, फैब्रिक बनाया, गारमेंट बनाया, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपकी क्या आ रही है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट ऑफ मनी है विच इज इंटरेस्ट एंड अदर फैक्टर्स. लेकिन ये दो बहुत बड़े फैक्टर अब हो गए हुए हैं बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन. एज सम पीपल, बिग बॉयज आर प्रेडिक्टिंग 2025 विल बी द ईयर ऑफ डिप्रेशन, एटलीस्ट स्टैगफ्लेशन. तो जिसमें राइजिंग प्राइसेस एंड नो ग्रोथ का सिनेरियो इमर्ज होगा, तो उस चीज़ को परसीव करते हुए बिजनेस लीडर्स ने आज ये फैसला करना है कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है कि हाउ लॉन्ग कैन आई सर्वाइव विद जीरो सेल्स फॉर एग्जांपल. व्हाट आर द एसेट्स, चाहे वो ह्यूमन एसेट्स हो
या दूसरे एसेट्स हों, मैंने इनको मेंटेन करना है, मैनेज करना है. तो आई थिंक दिस वूका इज अ इवॉल्विंग थिंग, इट्स इवॉल्विंग सिनेरियो एंड ईयर ओवर ईयर विल बी फाइंडिंग न्यू चैलेंजेस टू मैनेज, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो आइडिया से फोकस करती हैं, न्यू थॉट से फोकस करती हैं, जैसे आइडिया ट्रेनिंग्स वाले हैं, आई थिंक दे हैव अ बिग रोल टू प्ले एंड अ बिग नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड आउट द वर्ड फॉर नॉट ओनली फॉर एडवोकेसी बट ऑल्सो फॉर एडवाइजरी. तो हियर आई वुड लाइक टू क्लोज माई कॉमेंट्स एंड आई थिंक के एट द एंड ऑफ द डे it's not the gun, it's men behind the gun, and we have to focus on preparing those men. Men means mind, body and soul, jaisa aapne kaha tha, intellectual growth wo ho, usme aise shock absorbers ho, because no matter what happens in the environment, still they stay afloat. So good luck and good wishes to everybody. Thank you very much. Assalamu alaikum. आइडियाज़ ट्रेनिंग की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरह के सेशंस मतलब एक नेचुरल वे के अंदर आपको बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपोजर देते हैं. और इस तरह के सेशंस का जो कमाल है वो ये है, रियल टर्म्स के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए आप अपने जो चैलेंजेस हैं, जो जो आपको लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनली जो आपको फेस करने पड़े हैं आज के मतलब चैलेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, उससे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं और अपने अपने आप को शेप अप कर सकते हैं, स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शंस को रीसेट कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और मेरा ख्याल है कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और लोगों को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव वे के अंदर आगे मैसेज को कम्युनिकेट कर सकें.